आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम पालक के पकोड़े बनाने जा रहे हैं। पालक के पकोड़े बनाने के लिए हमें जो जो सामान चाहिए वो आपको हम बताते हैं। हमने 250 ग्राम पालक लिया है, इसे मोटे डंठल निकाल दिए हैं और इसको धो लिया है। अब इसको हमें बारीक काटना है। 2 हरी मिर्चें, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 बड़ा बाउल हम तेल का लिया है और 1.5 कटोरी बेसन लिया है, थोड़ा पानी लिया है जितने में हमारा घोल तैयार हो जाएगा, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच मिर्च, 1/4 चम्मच भुना जीरा, 1/4 चम्मच भुनी अजवाइन। पालक को आप इस तरह से बारीक काट लें। पालक को हमने बाउल में पलट लिया है। अब इसके अंदर हम बेसन और सारे मसाले ऐड कर देते हैं। हरी मिर्च, अदरक थोड़ा लंबी शेप में काट लें, नमक, अजवाइन, लाल मिर्च, भुना जीरा। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको मिला लेते हैं। एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें कि क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से कई बार घोल पतला हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसको मिलाएं। पालक, बेसन, मसाले सब मिलकर हमारा ऐसा मिश्रण तैयार हो गया है। हमने गैस तेज करके एक पैन रख दिया है। अब इसके अंदर हम तेल डालते हैं। तेल केवल हमें तलने के लिए ही चाहिए, इसमें से हमारा तेल बच जाएगा। तेल गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। आप जब भी पकौड़े बनाएं तो गर्म तेल में ही बनाएं। आप गैस अपनी मीडियम कर दें, क्योंकि यदि हम हाई रखेंगे अभी तो हमारे पकोड़े अंदर से पूरी तरह से नहीं सिक पाएंगे। हमें पूरी तरह से अंदर तक सेकने हैं, तो इसलिए हमें इसको मीडियम करनी पड़ेगी। साइज आप अपने हिसाब से रखें, बड़े छोटे जैसे आप चाहें वैसे ही बनाएं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। पालक में आयरन भी होता है, इसलिए पालक बहुत फायदेमंद होता है। इस तरह से हमने अपने ये पकौड़े डाल दिए हैं और थोड़े बहुत सीखने के बाद आप इनको पलट के देख सकते हैं। अब हमारे पकौड़े थोड़े थोड़े ब्राउन हो गए हैं। इनको हमें पूरा नहीं सेकना है, अब इनको हम निकाल लेते हैं। अब ये पकौड़ी हमारी आधी सिकी हुई है, तो अब इनको हम इस तरह की आप कटोरी लें जो नीचे से बिल्कुल समतल हो, तो इस तरह से हम एक पकौड़ी उठाएंगे और इस तरह से थोड़ी सी दबा के हम इसके अंदर करारी करने के लिए डाल देंगे। गैस जो अपनी धीमी कर दें, आप ये बिल्कुल कुड़ी कुड़ी बन जाएंगी, बहुत टेस्टी बनेंगी। इस तरह से हमारी अंदर तक सीख के करारी हो जाएंगी। आप इस तरह से इनको डालकर तैयार कर लें और यह आप चाय के साथ या कोई मेहमान आ जाए तो भी आप इन्हें बना के खाएंगे, बहुत टेस्टी लगते हैं। हम हमारे पकोड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इनको हम उतार लेते हैं। यदि आपके यहाँ कोई मेहमान आने वाला हो तो आप इनको आधे सेक कर भी रख सकते हैं और जब वो मेहमान आ जाएं तो आप फ्राई करके दोबारा दे सकते हैं, तो आपके पकोड़े गर्मा गर्म बहुत टेस्टी लगेंगे। हरी चटनी, मीठी चटनी के साथ आप पालक के गरम गरम पकौड़ों का आनंद लीजिए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को ज्वाइन करना। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ।